वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं 560 ग्राम ऑफ आयरन है, इसके अंदर जो एटम है वो इनमें से कौन सा ट्रू है। सो देखो, सबसे पहले मोल ऑफ Fe एटम निकालेंगे, मोल ऑफ आयरन एटम विल बी क्या हो जाएगा, मास ऑफ Fe डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो ये आएगा मास ऑफ आयरन इज कितना 560 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास आयरन का 56, तो कितना आया 10 मोल Fe एटम आ गया। तो मुझे पता है यहां पर 10 मोल Fe एटम है। अब इन दोनों का पता कर लेते हैं, तो यहां पर कितना एटम होता है 70 ग्राम नाइट्रोजन में, कितना हो जाएगा मास ऑफ नाइट्रोजन बाय एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ एटम निकाल रहे हैं ना इसलिए, तो ये कितना आया 70/40 इज इक्वल टू 5 मोल नाइट्रोजन एटम। ठीक, नेक्स्ट इसको भी निकाल लेते, यहां कितना आएगा, यहां आएगा मास, कितने एटम्स आएंगे मोल्स ऑफ एटम, मास बाय एटॉमिक मास मतलब 1 इज इक्वल टू 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो सिंपल है, क्या हो गया ये अपना 10 मोल है, तो अब क्या बोल, This 10 मोल ऑफ आयरन एटम इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ दिस 5, 10 क्या है 5 का ट्वाइस है ना, तो बिल्कुल सही है, 10 मोल ऑफ आयरन एटम इज ट्वाइस ऑफ 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, सो दिस इज ट्रू, 10 इज ट्वाइस ऑफ 5 और 10 इज हाफ ऑफ 20, यहां पे कितना है 20 मोल, अपना कितना 10 मोल, सो 10 इज हाफ ऑफ 20, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, थैंक यू।